हे सो गाइस, हो शोध पर हम बात करने वाले हैं। आज अब हम बात करने वाले हैं अदानी पावर के बारे में। कुछ दिनों पहले यानी February 19, 2021 को मैंने वीडियो बनाई थी एंड अदानी पावर वाज ट्रेडिंग एट 55 रुपीज़ उस टाइम पे। आज अदानी पावर 71.35 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है ऑन एंड अराउंड 28-29% अपवर्ड मूवमेंट दैट इन जस्ट फ्यू डेज, आई मीन ऑलमोस्ट अ वीक, मोर देन 10 डेज। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर उसी पीरियड में अदानी पावर कहाँ चला गया। ओके, यहाँ पर ऐसा क्या हुआ है अदानी पावर में, ऐसा क्या आया है जिसके वजह से अदानी पावर रुकने का नाम नहीं ले रहा, और आगे ऊपर कितने टारगेट है, कहाँ तक अदानी पावर जा सकता है, और क्या हमें अभी इसे बाय करना चाहिए, इस सारे सवालों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। ढूंढ चुका हूँ मैं आपको, बस बताने की कोशिश करूँगा। ओके, सबसे पहले अदानी पावर में कुछ इंटरनल न्यूज़ है कि अदानी पावर को बहुत कुछ प्रोजेक्ट्स जो है वो मिलने वाले हैं, जो मैं अभी डायरेक्टली ओपनली बात नहीं कर सकता। बहुत से लोगों को पता है, बहुत से लोगों को नहीं पता है, बट मैं एज अ यूट्यूबर यहाँ पर ऑन यूट्यूब ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म वो बात नहीं कर सकता। अगर मुझे इंस्टाग्राम पर पूछोगे तो शायद मैं बता दूंगा आपको, बट यहाँ पर एटलीस्ट नहीं बता सकता आपको। तो वैसे ही चीज़ें यहाँ पर हम देख सकते हैं अदानी पावर में, उसकी वजह से पहले भी बढ़त आ चुकी थी, बाद में कंसोलिडेट किया पूरा और वापस अभी बढ़त आ गई है, और ये कहाँ तक बढ़ेगा और क्या अभी बाय करना सही रहेगा। ओके, तो अभी हम देखते हैं सबसे पहले थोड़ा लॉन्ग टर्म की अगर हम व्यू देखें तो अदानी पावर एक अपने बहुत एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के ऊपर आके टच कर गया है, जो मैंने पहले भी कहा था, ये इस टाइम भी कहा था कि ऊपर एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है जहाँ पे ये टच करने जा सकता है, और जब ये करेगा तब मैं वीडियो बनाऊंगा। ना अभी भी उसे बता, इतना जल्दी आएगा वो मुझे पता नहीं था, बट आ गया। ओके, अभी इसे टच करने आ गया, लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस को टच करने को आया है ये। अभी अगर ये इसे ब्रेक करता है, अगर ये इसे अभी ब्रेक करता है, सो इट्स नेक्स्ट टारगेट वुड बी डायरेक्टली 90-100 रुपीज़। आई वुड सजेस्ट कि 90-100 रुपीज़ इसका अगला टारगेट हो सकता है अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो। क्या ये एक रिस्की पोजिशन हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। हम पहले भी देख चुके हैं यहाँ पर इसमें ऐसी बढ़त आ चुकी है और उसके बाद ये बहुत रैली डाउन हो चुका है। उसके बाद ऐसे पहले भी यहाँ पर इसमें बढ़त आ चुकी है और उसके बाद वो रैली डाउन हो चुका है। पहले भी इसमें ऐसे बढ़त आ चुकी है, उसके बाद भी ऐसे रैली डाउन हमें देखने को मिले हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि नीचे बिल्कुल नहीं आ सकता, बट द ओनली थिंग राइट नाउ इज कि इसे प्रोजेक्ट्स अभी मिल रहे हैं। पहले नहीं मिल रहे थे, इतने मिल रहे थे बट इतने नहीं थे, बट अभी इसे मिल रहे हैं। अभी इसमें फंडामेंटल्स में जोर आने वाला है, इसके बजट, इसके जो बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा ग्रो होने वाला है, इसलिए अभी इसमें वो सिचुएशन हम देख सकते हैं। ओके, आई होप यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस। वैसे ही सिमिलर सिचुएशन और एक अदानी के स्टॉक में है, वो मैं उसकी वीडियो अलग बनाऊंगा, बट ये स्पेशली यहाँ पर अदानी पावर की है। तो अगला यहाँ पर अगर ये सक्सेसफुल होता है इसे ब्रेक करना, तो अगला टारगेट वुड बी 90-100 रुपीज़। एंड अभी क्या हमें बाय करना चाहिए, आप कर सकते हो, बट ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये नीचे भी आ सकता है, क्योंकि वैसे पहले भी हो चुका है। जस्ट बिकॉज पहले हो चुका है इसलिए नहीं, बट क्योंकि एक लिमिट होती है स्टॉक की, एक अपर सर्किट्स लगाने की, एक बढ़ने की, बट इसलिए वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एंड ऑल्सो एक अपने रेजिस्टेंस के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है, तो अगर ये सक्सेसफुल नहीं होता है तो भी नहीं जा सकता है, सक्सेसफुल होता है तो ऑब्वियसली ऊपर जाएगा। इसलिए अगर ट्रेड कर रहे हो तो सावधानी से इसमें ट्रेड करना, बाय करना है तो कर सकते हो, बट एट अ रिस्क ऑफ नॉट गोइंग अबाव इट्स लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस। ओके, आई होप ये बात आपको सभी को क्लियर हो चुकी होगी। अगर आपने यहाँ पर बाइंग किया है तो भाई तो होल्ड ही करो, तब तो होल्ड ही करो, आपके मजे है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से होल्ड करो, देखो ब्रेकआउट होता है नहीं होता है, होता है तो आपकी चांदी हो जाएगी। ओके, आई होप दिस वीडियो हेल्प यू एनीवे, इट्स अ होस्ट।